नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बंदा है। आज हम लोग बनाएंगे एक बिरयानी, तो चलिए इसे बनाते हैं। अंडा बिरयानी के लिए सबसे पहले हम लोग अंडा बॉईल करने रखे हैं और उसमें ही थोड़ा सा शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज को जो है ना वो डाले हैं। एक्चुअली ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ अंडे को भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये वेजिटेबल्स डाले हैं तो ये इसको अच्छी तरह से हम लोग बॉईल होने देंगे। हमारी एक जो है वो बॉईल हो गई है लगभग। हम लोग ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च जो है डाले थे, ये क्यों डाले थे पता है क्या? उससे ना एक जो है ना वो क्रैक नहीं होती, इसलिए हम लोग डाले थे। मतलब कि आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अंडे जो है ना वो क्रैक नहीं होती। हल्का सा देखो क्रैक होती है जब हम बॉईल करते हैं अंडे को, तो वो क्रैक नहीं होती। हमारी जो एग है वो बॉईल हो गई है, देखिए आप देख सकते हैं। गैस को हम लोग बंद कर दिए हैं, उसके बाद में एग को निकाल लेंगे और इनकी छिलका निकाल लेंगे। हमारे एग जो है वो रेडी हो गया है, हम लोग गर्म कर लिए हैं। कढ़ाई में तेल डाले, अंडे बिरयानी बना रहे हैं हम लोग, तो ये तेल डाले, तेल अच्छी तरह से गर्म कर ले। तेल में ही हम लोग डालेंगे टमाटर बारीक कटी हुई और प्याज बारीक कटी हुई, देखिए इस तरह से, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। वाह, क्या फायर है यार, ये भैया का फायर है। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है ऐसा फायर, तो ये अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर। एक्चुअली कढ़ाई जो है ना वो काफ़ी गर्म थी, इसलिए फायर हुई है, लेकिन प्लीज़ घर पे आप ये फायर ना करें। उसके बाद में इसमें ही मसाला डालना है और ये लो मीडियम गैस करना है ये इस वक्त। उसके बाद में इसमें ही टर्मरिक हल्दी पाउडर, इसमें ही मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर डाले, इसमें ही सॉल्ट डालना है और टेस्ट अनुसार, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद में अंडे डालना है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। सॉरी, मैं अंडे डालते वक्त नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फायर हो रही थी, इसलिए नहीं दिखा पाई। तो ये अंडे डाले हैं, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। उसके बाद में इसमें ही पानी डालना है। पानी ये हम लोग एक स्पून के करीब डाले हैं, अगर आप चाहे तो एक कप बोल सकते हैं, कप के हिसाब से हम लोग पानी डाले, एक कप पानी डाले हैं। और पानी डालने के बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। ये हमारी अंडा जो है और मसाले पक गए हैं। उसके बाद में इसमें ही राइस डालना है। राइस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब कि जितना आपको बनाना है, मतलब जितने लोगों के लिए बनाना है उतना राइस डालें। तो ये यहाँ पर दो लोगों के लिए बन रही है, इसलिए हम लोग इतना राइस डाले हैं। इसके बाद में इसमें ही हम लोग कलर डाले हैं, तो ये ग्रीन कलर डाले हैं थोड़ा सा। आपके पास में ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें ही रेड कलर डाले हैं, जैसे बिरयानी में कलरफुल जो बिरयानी है रहती है ना, इसलिए हम लोग ये कलर डाले हैं। तो अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना कलर के भी आप ये एक बिरयानी जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही केवड़ा एसेंस, केवड़ा जल भी बोल सकते हैं आप, तो ये डालें। अगर आपके पास में नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। इसमें ही गुलाब जल डालें, गुलाब जल कम से कम एक टेबल स्पून के करीब डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से मिक्स करना है, आराम से मिक्स करें, तभी आपकी जो कलर है वो अच्छी तरह से दिखेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। वाओ, इतना सिंपल तरीके से हम लोग एक बिरयानी बनाया है, लग भी नहीं रहा कि ये एक बिरयानी बन रही है करके। और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल एक बिरयानी जो है वो बनी है। हमारी जो एक बिरयानी है वो बन गई है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बन गई है। उसके बाद में गैस बंद कर दे, गर्मा गर्म ही सर्व करें। हमारी जो एक बिरयानी है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बनी है। भैया की हमारी जो एक बिरयानी है वो बन गई है। भैया कितनी सिंपल तरीके से बनाई है ना भैया, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो इस तरह से बनाए, देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह से बनाए खाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।